पिछले 20-25 में पहले तो गाड़ी खड़ी कर दी, हार मान के कि यहीं खड़ी कर देते, पैदल जाके चाप लेके आते हैं, वरना मेरे ख्याल से चाप भी खत्म हो जाती उसकी जब तक हम जाम से निकलते हैं। अपलोड हो रही है, अमित भाई ब्रश करने गए हैं। आज हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहाते नहीं है, फिर पसीनों में फिर से चले जाएंगे। तो जो साकेत वाला वो है, क्या कहते हैं उसका, आपका सर्विस सेंटर भी 11 बजे खुलता है, 9 बज रहे हैं, तो मतलब मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, हाँ 9 बज रहे हैं, 9:10, 9:15 तक निकल जाएंगे। मेरे पास अच्छा खासा टाइम होगा कि मैं जल्द से जल्द गाड़ी चला के वहाँ पहुँचूँ, क्योंकि CNG भी भरवानी है। एंड सेकेंड थाट ये कि बस यार फ़ोन जल्दी मिल जाए, कुछ नहीं रास्ते में मिलता हूँ, थोड़ी सी मेंटली स्टेबल नहीं हो, कुछ बात है, आराम से मिलता हूँ, ठीक है ना भाई। गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी, मेरा मन था उस मर्सिडीज़ के साइड में लगा, पर लगा ही नहीं। खैर जैसा भी यार, सुबह वेलकम नहीं करा तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आशा करता हूँ कि सब बढ़िया हो, मज़े ले रहे हो। अब हम पहुँच चुके हैं अग्रवाल साइबर प्लाजा प्रीतमपुरा, जहाँ पे पहले जाना था NSP, वहाँ पे नहीं मिला, उन्होंने कहा सर यहाँ से शिफ्ट हो गया है, और इसी वजह से मैं भी गूगल पे क्लोज शो कर रहा था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब यहाँ पे वन प्लस का सर्विस सेंटर ढूंढते हैं, नॉड देते हैं एंड मैटर करते हैं नक्की। चलो तो सुबह जल्दी उठ के चलो, हुआ नहीं फायदा, तुम खुद बताओ। अगर हम लेट निकलते या कुछ भी होता, जैसे कि रोज निकल रहे थे पिछले 2 दिन से, तो फंस जाते ना वहाँ, जाते NSP, फिर वहाँ से आना है कौन ऐसे कर, हुआ नहीं हुआ फायदा जल्दी निकलने का। और हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी, हम बिना नहाए आ गए भाई, हम बिना नहाए आए हैं सच में भाई, हकीकत। और फंटी में तो इंसान ना वैसे ही नहा लेता है, मतलब इट इज लाइक उसकी गंदगी ऐसे निकल जाती है पसीनों से, हकीकत। तो यार जैसा भी है भाई, शोरूम तो अभी बंद है लेकिन 11 बजे खुल जाएगा, एंड द टाइम इज 10 मिनट बचे। मेरा मन इनसे जाके रिक्वेस्ट करूँ कि सर प्लीज़ इसे खोल दो, हमारा फ़ोन ले लो, ताकि हम अपना बाकी काम निपटा सकें। और सबसे जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन था वो पंजाबी बाग बेस्ट पड़ा यहाँ पे, तो वहाँ से आ जाऊँगा मैं, अगर अमित भाई हुए तो वेल एंड गुड, वैसे ये होंगे नहीं, चले जाएंगे अगले 2 दिन के अंदर ही इज़ गोइंग, इनके पीछे पीछे पेपर देने के बाद मैं भी बढ़ जाऊँगा। फाइनली इन्होंने ले लिया फ़ोन, थोड़े से डेंट्स नहीं थे यार, एक्चुअली फ़ोन जब जेब में रखा रहता था ना, तो रूम की चाबी की वजह से स्क्रीन पे एक लाइन आ गई थी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अगर ऐसा कोई दिक्कत होगी तो मैं बोलूँगा ठीक मत करो, वापस दे दो। और एक पैंतरा हुआ हमारे पास, हीट का साइन अब भी दिखा रहा है भाई, तब से तो ब्लॉगिंग नहीं करी, अब वन प्लस से ब्लॉगिंग करने का अलग ही मजा आ रहा है। वन प्लस का फ़ोन ले लिया, सारा काम ले लिया, माल भी पीछे पड़ा है ले लिया, अब अमित भाई को लेके जा रहे हैं अपन एम्स, इनके कोई फ्रेंड है, इनके किसी कोई फ्रेंड सर्कल में है, वो एडमिट है, तो इसलिए इनको एम्स लेके जा रहे हैं, ये मिलेंगे ताकि कल तुम आगरा निकल सको जल्द से जल्द, राइट, ये प्लान है, जल्दी चलते हैं एम्स। अब ब्लॉगिंग होनी है भाई, मज़ा आएगा, बहुत बड़ा भाई, मतलब मैं पहली बार एम्स आया हूँ, पकड़ना चाहिए, मैं पहली बार एम्स आया हूँ, जब जाके पता चला यार ये इतना बड़ा है, आस पास भी नहीं गुजरता, वही वाली बात हो गई, रह तो होने को क्या ही गुजरूँगा, थक गए भाई पसीना। अब भैया अपने जिस दोस्त से बातचीत करनी है करें, घर जाके नहाएंगे खाएंगे सो जाएंगे, फिर उठ के काम करेंगे। फाइनली नॉट भाई, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बाबू से बोला था, मैं बाबू प्लीज़ इसको ठीक करवा दे, आज करा दे, मज़ा आ जाएगा, करा दिया। ये स्कूटी खड़ी है काले रंग की, और वो गार्डन कलर है, ठीक है ना, तो क्या हुआ इन्हें को लगा मैं खड़ी करके, मगर काली स्कूटी काला बनियान, काली सैंडल कुछ भी, तो इनको लग रहा है कि स्कूटी मेरी है, 3 बार टोक दिया कि तुम्हें नहीं पता यहाँ पे स्कूटी खड़ी करने मना, तू अरे भाई मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी पार्किंग में, यार होता है यार इतनी गर्मी, इतने लोग इतना काम करते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है इवन तो मेरे को हो रही है। अब हमें तो एक बार बस मिल के आ जाए ताकि फिर अपन निकल सकें, मैं छाँव में खड़ा हो गया, मैं कभी डॉक्टर बन ही नहीं पाता, मैं जो डॉक्टर होता है ना भाई उसकी एक अलग ही बात होती है, पता है हर पर्टिकुलर जो फील्ड होता है ना उसकी अलग एक बात होती है, और मैं नहीं बन पाता, मैं कभी यही सोच रहा था खड़े हो गया यार मैं MBBS कर लेता, मैं नहीं कर सकता।
अमित भाई आ गए, ठीक है ना। अब अपन बस सीधा घर निकल रहे हैं, मैं गाड़ी निकाल के लिया था, इतने वालते रहेंगे पीछे पीछे। एंड बस चलते हैं यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, प्यास बहुत लग रही है, मुंह सूख गया है बिल्कुल, अकाल पड़ रखा है मुँह, मतलब पानी वानी आराम से बैठ के पियेंगे, कुछ खाएंगे भी, भूख लग रही है घर जाके काम वाम करना है। आनंद विहार से तो निकल ही रहता है, सोचा अमित भाई को अपना स्कूल दिखा दें, डीए विशिष्ट विहार पीछे तक गया, मतलब एक्चुअली बड़ा इतना नहीं है क्योंकि मिड ऑफ द बहुत पॉश इलाके के अंदर है ना, तो थोड़ा सा उस चीज़ की कमी है, ग्राउंड नहीं है इसमें, मतलब ग्राउंड है लेकिन ऐसा ही है, हाँ है, पर भाई क्या यादें जुड़ी, मतलब आते ना एकदम इमोशनल वाली फीलिंग्स आ गई यार, यहाँ पढ़ते थे, हकीकत में इस गेट से निकलते थे यार। अब देखो मुझे अब भी याद है जब हमारा फेयरवेल हुआ था, तो यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, उसका नाम गौरी था यार, ठीक है। तो मैं फेयरवेल के टाइम पे ना मैं मामा जी के बुलेट लेके आया था, यहाँ खड़ी थी, अच्छा गर्म खून 12वीं क्लास, बुलेट हाथ में तो बिना पटाखे के तो स्टार्ट होगी नहीं, ली गई तो पहले तो धुं धुं धुं, फिर मैंने लिया थर्र धाऊ, तो उसका दुपट्टा जो है ना साइलेंसर पे अटका था, उस दुपट्टे में छेद हो गया भाई, क्योंकि जूनियर से जूनियर जैसे फेयरवेल देते हैं, डांस वांस करते हैं, तो उन्होंने किया। सो भाई मुझे अब भी याद है, मैं और शुभांकर ऐसे भगाते हुए लाए थे, यहाँ पे भी उछाली थी मैंने बुलेट, पूरी धूप था, यहाँ पे सब खड़े थे, फिर अपन कनॉट प्लेस निकल गए थे, वो था जो भाई, उसके बाद आए पर यार ऐसे सब नहीं मिले, इमोशनल बाद में। भाई अमित भाई को क्या कहते हैं, उसे क्या खानी थी, क्या खिलाने के चक्कर में चाप, अमित भाई को चाप खिलाने के चक्कर में जाम में फंस गए पिछले 20-25 मिनट, पिछले 20-25 मिनट, पहले तो गाड़ी खड़ी कर दी, हार मान के कि यहीं खड़ी कर देते हैं, पैदल जाके चाप लेके आते हैं, वरना मेरे ख्याल से चाप भी खत्म हो जाती है उसकी जब तक हम जाम से निकलते हैं, अब भी जाम में फंसे पड़े हैं, वो तो अपनी खैर छोटी सी धन्नो है, कहीं भी घुस जाती है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर भाई चाप खाने में भी गैंगस्टर हैं, चाप खाएगी पीछे रखें खा लें घर पे हैं, घर पे खाने यहीं खा लें, अच्छा घर पे, चलो ठीक, गर्मी हो रही है बेबी को घर पे चाप खानी है, चलो अब हम अपनी धंधा चलाएंगे। फ्यूज गर्म हो रहा है इसका, देखो ये छू गया कनेक्शन, देखो यहाँ यहाँ ये जो ये छू ये, हाँ ये है ना हीट है, फाइनली बाहर निकल गए, अब निकले बाहर, आपको आगे बताऊं, देखो पीछे पीछे देखो, देख रहे हो कितना जाम है, चलो बाय।